चमचा वो तो अच्छा बना है। ये चाय नॉर्मल चाय जैसे ऐसे होगा, इसका बनाने का तरीका डिफरेंट होगा। ये चाय को छानना नहीं पड़ेगा, ये चाय फटेगा नहीं। आप इसी तरह दम चाय घर पर बनाकर पिए, एंजॉय कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट कीजिए। मेरे चैनल नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, क्योंकि मेरे नए रेसिपी नोटिफिकेशन पहले आपको। सर मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे दम चाय। दम चाय के लिए जो सामग्री चाहिए, मैंने 1 कप दूध लिया है, 2 टुकड़ा दालचीनी, 2 इलायची, 3 लौंग, 2 टुकड़ा लिया है अदरक, चाय, चीनी। कॉटन कपड़ा लेंगे, व्हाइट वाला कपड़ा लेना है। इसमें अदरक, दालचीनी, इलायची की इस तरह खुल कर डालेंगे, इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। लौंग 2 चम्मच, चाय पत्ती 2 चम्मच, चीनी। अब हम इसको एक पुटली बना लेंगे इस तरह, और इसको धागा से बांध लेंगे। अब रबर से नहीं बांधना है, धागा से बांधना है। इसको बॉईल करना है। सस्पेन लिया है, इसमें 2 कप पानी डाल देंगे। मैंने पैन रख दिया है, गैस ऑन कर दिया, पानी को बॉईल होने दिया। उबल आ चुका है, अब हम पुटली इसके अंदर डाल देंगे, इसको ढक देंगे। फ्लेम सीम रखेंगे, 4-5 मिनट बाद हम चेक करना। अच्छा से बॉईल हो रहा है, 5-6 मिनट हो चुका है। अब हम इसको 1 मिनट बॉईल करेंगे और इसको ढक देंगे। 7 मिनट का ऊपर हो चुका है, अब हम ये पुटली निकाल देंगे। इस तरह हम निचोड़ लेंगे, इसका सारा फ्लेवर चाय में चला जाएगा। अब हम इसमें दूध डाल देंगे और इसको बॉईल होने देंगे। करीब 2-3 मिनट बॉईल होने देंगे, फिर चाय अच्छा से उबल रहा है। चाय को हम इस तरह चलाते रहेंगे। ये चाय नॉर्मल चाय जैसे होगा, इसका बनाने का तरीका थोड़ा अलग होगा। ये चाय उबलते हैं, 2-3 मिनट हो चुका है, चाय में तैयार हो चुका है। ये चाय को कप में डाल देंगे। आप इसी तरह चाय घर पर बना कर पिए, ये चाय पीने में बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह तो हम चाय घर पर बना कर पिए, एंजॉय कीजिए।